اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله। हाजरीन और नाजरीन, मुझे देखने वाले और यहाँ सुनने वाले, अल्लाह सबको सलामत रखे। और मेरा उन्वान सदका, सदके से हर बला को अल्लाह टाल देता है, हर मुसीबत को अल्लाह हटा देता है, हर परेशानी को ख़त्म कर देता है। सदका देते रहो, कुछ परेशानी आए तो सदका दो, कुछ परेशानी आने वाली है मालूम हुआ तो सदका दे डालो। ये देने में इतना पावर है, ये सदके में इतनी ताकत है कि हर परेशानी को अल्लाह दूर कर देता है। एक दिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक एराबी आया, आके बोला, अय मेरे अबू हुरैरा, अस्सलामु अलैकुम। अबू हुरैरा जवाब दिए, वालेकुम अस्सलाम, बैठ, क्या बात है? मेरा बेटा समंदर में सफर करते हुए आ रहा, उसके लिए दुआ करो कि वो सही सलामत आ जाए। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए, तेरा बेटा समंदरी सफर में आ रहा है, तो एक काम कर, तेरे बेटे के नाम से सदका निकाल के किसी को दे दे, क्योंकि समंदर में तूफान आने वाला है। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा ही बोले, एरा भी उठ के गया, कुछ सदका दे दिया, कुछ सदका अदा कर दिया। अब उसके बाद कश्ती में तूफान शुरू हुआ, समंदर में ऐसा तूफान आया कि कश्ती वाले डर गए, कश्ती डूबने का इम्कान। तो कश्ती वाले एक आवाज़ सुने, अय कश्ती में बैठे वाले, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि इसके बाप ने सदका दिया है, उसके सदके को अल्लाह कबूल कर लिया है, उसके सदके में अल्लाह तुम सबको हिफाजत से पहुंचा देगा। तो आवाज़ सुने, अब कश्ती सही सलामत एक किनारे पे लगी, सब उतरे, अपने अपने मुकाम पर पहुंचे। तो बाप पूछा क्या हुआ, तो बेटा वही सुनाया कि हम कश्ती में बैठ के कांपने कानों से एक आवाज़ सुने कि तुम एक सदका दिए थे, उस सदके को अल्लाह कबूल कर लिया है। तो हाजरीन, सदके की ऐसी शान है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए एक रास्ता बताया है। सदका करते रहो, सदके में हर बला टल जाती है, हर मुसीबत दूर हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।